हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर में देख रहे हैं नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन टाइप ऑफ नाउन्स, सभी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो भी आप लोग को हम भेज चुके हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कुछ सेंटेंसेस का किस तरह से हम नाउन को पहचानेंगे इसके बारे में सीखेंगे। क्योंकि तो नाउन पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके टाइप को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सेंटेंस में कैसे नाउन को हमको निकालना है इसके बारे में हमको जानना है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव मटेरियल और ए एब्स्ट्रैक्ट। इसमें पॉइंट आउट करेंगे हम लोग सेंटेंस से कि इसमें कौन सा नाउन है, कॉमन कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला देखिए दिया हुआ है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। तो इस सेंटेंस में ट्रूथ, सच्चाई, सत्य, ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए नेक्स्ट है वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, हम सभी को ईमानदारी पसंद है। तो ऑनेस्टी जो है ये भी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईमानदारी। नेक्स्ट है आई हैव टू चिल्ड्रेन, मेरे दो बच्चे हैं। तो आई हैव टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जो है कॉमन नाउन हो गया, सभी बच्चे इसमें आते हैं को चिल्ड्रेन में, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। चलिए क्वेश्चन फोर है द लायन इज द किंग ऑफ द बेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि सिंह जो है वो जानवरों का राजा है, तो इसमें किंग, किंग मतलब राजा हो गया, और बेस्ट जो हुआ वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, नहीं जानवर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लायन कॉमन हो गया और जानवर भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सुलेमान वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। तो सुलेमान जो है वो सभी राजाओं में से सबसे बुद्धिमान है। तो सुलेमान हो गया प्रॉपर नाउन और किंग्स वो हो गया राजा, ये हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब ईश्वरता के बाद स्वच्छता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो क्लीनलीनेस देखते हैं ये क्या है, स्वच्छता, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और गॉडलीनेस जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है द बर्ड कैचेस द वर्म, चिड़िया वर्म को पकड़ती है। तो बर्ड क्या हो गया, कॉमन नाउन, अ वर्ड, अ वर्म भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। बर्ड किसी भी बर्ड को हम लोग कह सकते हैं, अ वर्म कोई भी वर्म हो सकता है, कॉमन नाउन हो गया ये। हु टीचेस यू ग्रामर, आपको ग्रामर कौन सिखाता है या कौन पढ़ाता है। तो इसमें हम लोग ग्रामर जो देखते हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द नील इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, इस सेंटेंस में देखिए दो नाउन है, एक नील है और दूसरा रिवर है, नहीं तो नील नदी नाम है, इसलिए ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और रिवर, रिवर यहाँ पे हो गया आपका कॉमन नाउन। अगर हम कहते हैं नील नदी, नील रिवर, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन सिर्फ रिवर की चर्चा होगी तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आपका ए कमिटी ऑफ सिक्स वाज अपॉइंटेड टू एसेस द सिचुएशन, स्थिति का आकलन करने के लिए छह व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गई। तो इसमें कमिटी, कमिटी जो है वो क्या है, समिति जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूह है, ठीक है, और सिचुएशन मतलब स्थिति, परिस्थिति, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें देखिए नाउन कौन कौन है, एक आपका जवाहरलाल नेहरू है, दूसरा आपका इसमें क्या है, इंडिया है, नहीं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि, और प्राइम मिनिस्टर भी इसमें है। तो इस सेंटेंस में जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रॉपर नाउन है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉमन नाउन है, और इंडिया जो है वो भी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द बॉय वाज रिवार्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, लड़के को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया गया। इसमें हम लोग देते हैं बॉय, वो कॉमन नाउन हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ही गेव मी एन एप्पल, तो यहां इस सेंटेंस में एप्पल जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं
आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एट वंस, मैंने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। इसमें वॉइस आवाज जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यू शुड नेवर टेल ए लाई, आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो लाई, लाई जो हुआ वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, नहीं झूठ। विजडम इज बेटर देन रिचेस, तो विजडम इज बेटर देन रिचेस, मतलब बुद्धि जो है वो धन से बेहतर है। इसमें हम लोग देखते हैं विजडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और रिचेस जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, आप समुद्र को नहीं सुखा सकते हैं। इसमें ओशियन समुद्र कॉमन नाउन है, क्योंकि तो यहां किसी समुद्र का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके अब नेक्स्ट है आपका, सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीसियस मेटल्स, सिल्वर और गोल्ड जो है वो प्रीसियस मेटल है, बहुत ही महंगा मेटल है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सिल्वर मेटेरियल नाउन है और गोल्ड भी क्या है, ये भी मेटेरियल नाउन है, और मेटल, मेटल क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं, स्टिल वाटर्स रन डीप, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है, वाटर जो है वो क्या हुआ, मेटेरियल नाउन हो गया। ठीक है चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट वॉज एडिसन हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, फोनोग्राफ का आविष्कार एडिसन ने किया था। इसमें हम लोग देखते हैं एडिसन जो है वो है प्रॉपर नाउन और फोनोग्राफ जो है वो है आपका कॉमन नाउन, क्योंकि तो एडिसन नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तुबलकेन वाज ए मैन ऑफ माइट, तुबलकेन एक पराक्रमी व्यक्ति थे। तो तुबलकेन नाम है इसीलिए क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और मेन मनुष्य ये आपका हो गया कॉमन नाउन। ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड हैबिट डाई हार्ट, ओल्ड हैबिट मतलब पुरानी आदतें, डाई हार्ट मतलब पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। ठीक है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हैबिट जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है अब इस तरह से आपको सेंटेंस और लीजिए और उस सेंटेंस को आप लोग उसमें चूज करना सीखिए कि कौन सा कौन नाउन है, क्योंकि तो ये हमेशा कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जनरल एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको डिटेल नॉलेज के लिए हर तरह का जितना भी आपको जहाँ भी मिले सेंटेंस उसमें सबसे पहले ढूंढना सीखिए कि इस सेंटेंस में कौन सा जो है कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं तो इस तरह से ये लेसन हम यही समाप्त करते हैं। ओके थैंक यू।